हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में, जो कि है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ जी बच्चों, यही आपका जेनेटिक मटेरियल है, यही वो मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से आपको अपने कैरेक्टर्स मिलते हैं और यही कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। हम सब जानते हैं डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डू यू नो कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल किसे माना जाता है? दैट इज़ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, अब ये जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था आरएनए का, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे हमारे बॉडी डिज़ाइंस में कॉम्प्लिकेशंस आई, कॉम्प्लेक्स हुआ हमारा बॉडी डिज़ाइन, वैसे आरएनए की जगह डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बनता रहा। अभी भी मैक्सिमम जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, लेकिन कुछ एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक योर वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द टाइम आरएनए होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, कि क्यों आरएनए की जगह डीएनए जेनेटिक मटेरियल बना, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन आरएनए एंड डीएनए। देखो बच्चों, जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए एक बेसिक सा बॉडी डिज़ाइन होता है, बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती हैं, वी नीड सीमेंट, वी नीड ब्रिक्स, वैसे ही आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में भी एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट है और उसका एक बेसिक सा बॉडी डिज़ाइन है, जहाँ पे देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ अ पेंटोज शुगर विच इज़ अ फाइव मेंबर्ड स्ट्रक्चरल रिंग स्ट्रक्चर, राइट, एंड देन देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड देन देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस। Similar, in the case of your DNA, there is presence of five-membered ring structure, there is presence of phosphate group and a nitrogen base. But यहाँ पर difference आता है functional group में, जो groups carbon atoms के साथ attached हैं। In case of RNA, if we number the carbon atom, 1', 2', 3' and 4', ओके, और इसके साथ साथ एक और कार्बन एटम जो है वो यहाँ पे अटैच्ड रहेगा, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे एक और कार्बन एटम जो है वो अटैच्ड रहेगा और फिर यहाँ पे जाके आपका फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2' पोजीशन पे, 2' पोजीशन पे देर इज़ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH ग्रुप, एन ऑक्सीजन एटम एंड बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम, दिस इज़ नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। बट इन केस ऑफ योर डीएनए, इन 2' पोजीशन कार्बन एटम जो 2' या फिर सेकेंड पोजीशन पे जो अटैच्ड है, वहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी कि यहाँ का जो 2' पे जो कार्बन एटम था उसके साथ ऑक्सीजन एटम वहाँ से हट गया है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डिफरेंसेस होते हैं आपके आरएनए में और डीएनए में। अब अगर इसके थोड़े से और हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर में जाएं, तो आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, डीएनए जो होता है दैट इज़ डबल स्ट्रैंड, स्ट्रैंड यानी कि सिंपली अगर हम एक धागा ले ले तो इट विल बी लाइक दिस, आरएनए विल बी लाइक अ सिंगल स्ट्रैंड, एक सिंगल थ्रेड की तरह जो स्ट्रक्चर होता है। अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो यहीं से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब आपका जो ये
आरएनए होता है वो स्टेबल नहीं होता. आरएनए इज़ नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है. डीएनए इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल. आरएनए इजीली डाइजेस्ट हो सकता है बाय सम एंजाइम्स, बाय सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वाइल डीएनए बीइंग अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग होती है, तो एंजाइम्स को उसको ब्रेक डाउन करने में वक्त लगता है, मुश्किल होती है, तो इसलिए वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकता बाय द एंजाइम्स. नाउ हम लोग अगर नाइट्रोजन बेसिस के बारे में बात करें, सबसे पहले नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं डीएनए और आरएनए में वे 4 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं. ओके, यहाँ पे भी एक डिफरेंस आता है. आरएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. लेकिन डीएनए में आपके जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट रहेंगे, ये वाला ग्रुप जो अटैच रहेगा फर्स्ट कार्बन एटम के साथ, वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन. सो दिस डिफरेंस कम्स फ्रॉम दिस नाइट्रोजन बेस. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए बींग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो इन डिफरेंसेस को आप याद रखना, राइट? अब ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. एक होते हैं आपके प्यूरीन और एक होते हैं आपके पिरिमिडीन. इट इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. प्यूरीन्स में हमारे पास आ जाते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, वाइल इन केस ऑफ पिरिमिडीन वी हैव थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. अब इनके अगर हम स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे तो प्यूरीन, सबसे पहले हम लोग एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. मैं आपके लिए एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे. इट कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग स्ट्रक्चर वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एट 4 पोजीशंस. नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेंगे एंड इट विल बी अ 2 रिंग्ड 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, राइट? हेयर वी विल मेक अप सम डबल बॉन्ड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन. नाउ गुआनिन, द बेसिक स्ट्रक्चर एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर विल बी द सेम. नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट रहेंगे. चेंजेस कहाँ पे आते हैं? इनके फंक्शनल ग्रुप में. अब अगर हम गुआनिन का स्ट्रक्चर बनाएं तो गुआनिन के स्ट्रक्चर में भी जो नाइट्रोजन होंगे एटम्स वो सिमिलर पोजीशन पर ही प्रेजेंट रहेंगे. ओके, हेयर देयर इज नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट विद डबल बॉन्ड. नाउ द चेंज कम इन द फंक्शनल ग्रुप. Here will be presence of ammonia and here will be presence of oxygen atom. And this is the structure of guanine. Right? So these are purines. 9-membered double ringed structure having 4 nitrogen atoms in that ring. Right? This is adenine and this is guanine. Now, if we make up pyrimidine, pyrimidine mein we will take cytosine. Here, it is a one-ringed structure. And 2 nitrogen atoms will be present. Sirf 2 nitrogen atoms yahan pe aapke present rahenge. And this is the structure of cytosine. Single ringed structure, 2 nitrogen atoms in the ring, there is presence of 1 ammonia group and 1 oxygen atom. Basic structure वही रहेगा. Nitrogen atoms जो हैं जहाँ पर उनकी position है वो वहीं पर रहेंगे, in case of uracil and thymine also. So nitrogen atom फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे. देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ
मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज थायमिन. द लास्ट वी हैव यूरेसिल. वन रिंग, टू नाइट्रोजन एटम्स, राइट? स्ट्रक्चर विल बी सेम एंड देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एन अनदर ऑक्सीजन एटम विथ वन ऑलरेडी प्रेजेंट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल. सो बच्चों, ये थे आपके प्यूरीन एंड पिरामिडिन, राइट? आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, सारे के सारे डिफरेंसेस उनके स्ट्रक्चरल बेसिस पर होंगे मैक्सिमम, ठीक है? याद इसमें आपको इनका स्ट्रक्चर रखना है कि कौन सी पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहता है आपके आरएनए में और कौन सी पोजीशन पे हट जाता है इन केस ऑफ योर डीएनए. एंड व्हाई डू वी कॉल इट डीऑक्सी, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ वन ऑक्सीजन एटम टू प्राइम पोजिशन पे, टू प्राइम पोजिशन ऑफ कार्बन एटम, राइट? उसके बाद थोड़े बहुत हमने इसके डिफरेंसेस पढ़े हैं. आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है. आरएनए आपका स्टेबल नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ स्टेबल कंपाउंड और मॉलिक्यूल. बहुत जल्दी जल्दी इसमें म्यूटेशंस हो सकती हैं, चेंजेस आ सकते हैं. और अगर किसी भी मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उसे स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होना है. और अगर उस टाइम पे म्यूटेशंस आ जाती हैं तो ऑर्गेनिज्म को काफ़ी हार्म हो सकता है, जबकि आपका डीएनए जो होता है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, ओके? इसके बाद इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है आरएनए बाय द एंजाइम्स, बीइंग अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. उसके जो नाइट्रोजन या फिर इसका ये जो न्यूक्लियोटाइड, इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड इस ग्रुप को, जो कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी. तो ये जो आपके ग्रुप्स होते हैं ये फ्री होते हैं, तो ईजिली ब्रेक डाउन करने में एंजाइम्स को आसानी रहती है. लेकिन इन केस ऑफ डीएनए, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये आपस में ही बॉन्डेड रहेंगे और एंजाइम्स उनको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? फिर हमने पढ़े आप नाइट्रोजन बेसिस जितने भी थे उनके सारे के सारे डिटेल स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है. प्यूरीन में क्या रहेगा, टू रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, 9 मेंबर्ड होगा और 4 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे इन द रिंग, एडिनिन में भी गुआनिन में भी. अगर हम पिरामिडीन की बात करें तो पिरामिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उस रिंग में, ठीक है? 6 मेंबर्ड ये स्ट्रक्चर होगा आपका. जो भी डिफरेंसेस होंगे फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंसेस आएंगे कि कहाँ पे लगते हैं और कहाँ के चेंज हुए हैं, ओके? एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ योर डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड.